3 लाख रुपए का कर्ज लिया हूँ और 1 लाख रुपए ग्रामीण बैंक से। मैं चाहता हूँ कि सरकार से निवेदन भी करता हूँ कि मेरा कर्ज माफ हो। सर, स्थिति इतनी दयनीय है कि मैंने 2 से 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि बैंक वाले बहुत दबाव बना रहे हैं। अभी वो 90,000 लिए थे, वो अभी 1,40,000 हो गए, अभी भी हम देने के उस लायक नहीं। बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन इसलिए माफ हो जाता है, अंडरराइट हो जाता है कि उनको पहले से ही जानकारी होती है। सरकार घुटने के बल बैठ के माफ करेगी। आज हम लोग भिलाई के फल मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है। क्या है पूरा मामला, ये हम लोगों से जानेंगे। क्या सुनने में आ रहा है कि ये सभी अपने कर्ज को माफ़ी दिलाने के लिए, कर्ज माफ़ी करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं और इसी तारतम्य में इतनी भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है। क्या है पूरा मामला और कैसे लोग जो हैं इस कर्ज में डूबे हैं और किस तरह का वो माफ़ी चाहते हैं, ये हम उनसे जानना चाहेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ जो लाइन में लगे हैं, कतारबद्ध हैं, इनसे हम लोग जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी कालिका प्रसाद। किस लिए आए हो? वही कर्ज मुक्ति के लिए। किस चीज़ का कर्ज है आपका? वही होम लोन वगैरह है, चल रहा है। अच्छा, तो ये कब स्थिति खराब हो गई, क्यों आप माफ़ी चाह रहे हैं? लॉकडाउन के बाद से। लॉकडाउन के बाद से क्या हुआ था, मतलब लॉकडाउन में क्या आपका व्यवसाय किस लिए, मतलब बंद था जिसके कारण किस्त वगैरह पटा नहीं पा रहे थे। कितने का किस्त था? वही लगभग 15-16 हज़ार का था, और भी कुछ 2-3 लोन। कहाँ कहाँ से आते हो आप, कहाँ रहते? कुर्सी पार में। कुर्सी पार। चलिए, और भी लोग हैं जी, यहाँ कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम भागीरथी टंडन है। अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं अभी बोरसी में रहता हूँ। क्या काम से आप यहाँ आए हो? ये कर्ज माफ़ी के नाम से आया हूँ, जो मैसेज आया था मोबाइल में, और जब पता चला तो मैं भी सर्टिफिकेट लेने के लिए आया, और मैं भी हाउस लोन लिया था और प्राइवेट जॉब कर रहा था, लेकिन काम बंद होने के नाम से मैं नहीं पटा पाया, इसके नाम से बहुत दिक्कत हुआ बैंक से के तरफ से भी। और इस प्रकार से यदि कर्ज माफ़ी होता है तो अच्छा रहेगा, बाकी सबका कर्ज माफ़ी हो ही रहा है, तो हम चाहते हैं, हम जनता जो परेशान है कर्ज के नाम से, तो माफ़ी चाहते हैं। केंद्र सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ी किए, कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में आई तो किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, अब आप लोग चाहते हैं आप लोग का कर्जा माफ़? जी जी, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का भी कर्जा माफ़ी हो, और कर्ज के नाम से पूरा ट्रबल है, क्योंकि कभी कोई जॉब नहीं है, बिल्कुल खाली है, जिसके नाम से भी बहुत परेशान हो। लॉकडाउन के टाइम पे ये कर्ज की जो बात हुई थी और ये जो कर्ज माफ़ी जो करवाने के लिए अभी आप लोग आए हैं, तो उस समय जो स्थिति थी और आज की स्थिति लॉकडाउन के बाद से क्या स्थिति है, लोग क्या पुनः वापस जॉब मिल पाई है लोगों को, किस तरह का कैसे देखते हैं? पहले जॉब का अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तब से जॉब की स्थिति बहुत बिगड़ गए हैं, रोड में आ गए हैं, और अभी भी प्राइवेट जॉब का तो और कंडीशन बहुत बुरी तरह से अभी भी ख़राब है। मैं खुद जॉब कर रहा था, यहाँ तक कि जब जॉब छोड़ने का कर बाहर ट्रांसफ़र भी कर दिया गया था, लेकिन अभी वो जॉब भी ख़त्म हो गया है, तो जिसके नाम से अभी कुछ भी जॉब नहीं कर रहा हूँ, अभी बिल्कुल खाली हूँ मैं। कितने का लोन है आपका अभी बाकी है जो पटना? मेरा 23 लाख का लोन है अभी मेरा। अच्छा, तो किस बेस पे लिए थे? यही जॉब के नाम से मैं लिया था, मेरा प्राइवेट जॉब था, और उस टाइम मैं कंटिन्यू छूट पा रहा था, लेकिन जब से जॉब मेरा गया प्राइवेट जॉब, तब से मैं अभी पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे, और कोई दूसरा इनकम सोर्स अभी नहीं मेरा। ठीक है, और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ, और एक भाई साहब हैं, ये भी कहना चाहते हैं किस लिए आए हैं जी? मेरा नाम पनमेश्वर साहू, मैं बलौदाबाजार से हूँ। मैं कंप्यूटर सेंटर चलाता था, 2011 से स्टार्ट किया, बहुत अच्छा चल रहा था, जब से कोविड काल आया तब से हमारा सेंटर आज बंद हो गया। मैं यूको बैंक कोदवा से 3 लाख रुपए का कर्ज लिया हूँ और 1 लाख रुपए ग्रामीण बैंक से। मैं चाहता हूँ कि सरकार से निवेदन भी करता हूँ कि मेरा कर्ज माफ़ हो, क्योंकि जब बड़े बड़े उद्योगपति का हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, सभी का क्या, किसने बोला है कि कर्जा माफ़ी हो? बोला किसी ने नहीं है, लेकिन हमारे जो गुरु हैं शहनाज जी चौहान, उनके हम सानिध्य में आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि जब बड़े बड़े उद्योगपति का हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं करके। तो कांग्रेस सरकार जो है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने किसानों का जो है कर्जा माफ़ किया है, अभी आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग का कर्जा माफ़? हमारा भी होना चाहिए, जब किसानों का हो सकता है तो व्यापारी का भी होना चाहिए, यही हमारी मांग है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ महिलाएँ हैं और उनसे भी हम लोग बात करेंगे इस तरफ। हाँ ठीक है, और भी महिलाएँ हैं, कुछ महिलाएँ हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे इस तरफ, पूरे ये इस तरफ लोग जो बैठे हुए हैं और देख सकते हैं यहाँ जो महिलाएँ हैं, इन लोग भी जो है अपने कर्ज माफ़ी के लिए आए हुए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानना चाहते हैं किस तरह का इनका लोन था, क्या परेशानी और क्या दिक्कत हो रही है। जी, आपका नाम पहले बताएं। प्रतिभा जायसवाल। क्या समस्या लेकर यहाँ आए? सर, मेरा 2020 में मैंने लोन लिया हुआ था और वो मैं पटा नहीं पा रही हूँ, आर्थिक स्थिति मेरी बहुत तंग है
और लोन वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं मानसिक तौर पे, तो इस उम्मीद से मैं आई हूँ कि मेरा कर्ज माफ़ हो और मुझे राहत मिले। कितनी दिक्कत हो रही है? अभी आपके तीन बच्चे हैं, जैसा आपने बताया तीन बच्चे हैं, और आप लोन बैंक वाले जो हैं वो परेशान कर रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही है? सर स्थिति इतनी दयनीय है कि मैंने 2 से 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि बैंक वाले बहुत दबाव बना रहे हैं और हम उनको बोलते हैं कि हमें समय दीजिए, तो वो बोलते हैं बैंक से लोन लेने के पहले आपको सोचना चाहिए था कि आप लोन क्यों लिए हैं। अब कर्जा पटाने के समय आप बहाना मार रहे हो तो हमें ये नहीं चलेगा। आपने कर्ज लिया है तो कर्ज तो पटाना पड़ेगा, आप चाहे कहीं से भी पटाओ। कितने का लोन था और कितना पैसा और देना बाकी बैंक? सर मेरा 3.5 लाख का लोन था और वो बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए देना पड़ेगा 2 साल का ब्याज मिला के। ये तो एक महिला है जिनकी आपने व्यथा जो है वो आपने सुनी है, और ये भी आपने जाना कि जो महिला है उन्होंने 2-3 बार कर्ज को लेकर के सुसाइड करने की भी कोशिश की है। और भी महिलाएं हैं कुछ जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। जी बताएंगे, क्या नाम है? मेरा नाम रंजना विश्वकर्मा। किस लिए आए हैं आप यहाँ? कर्जा मुक्ति अभियान का केंद्र का शिविर लगा है ऐसे टाइप का। मेरे हस्बैंड बोले लॉ निकाले थे तो तू जाना ऐसे करके, एक्चुअली रायपुर में ड्यूटी करते हैं तो छुट्टी नहीं मिला, इसके वजह से नहीं आ पाए। तो अभी क्या आश्वासन आप लोग को, यहाँ आप लोग आए हैं क्या आश्वासन मिला? अभी तो कुछ आश्वासन तो अभी मिला नहीं है, लेकिन अब देखो आगे फॉर्म हम भरा रहे हैं, कुछ फॉर्म वगैरह दिए हैं? नहीं, फॉर्म मेरे हस्बैंड पहले साल भर पहले भरे थे। अच्छा। और उसका मैसेज भी आया था, लेकिन ना वो उसका कुछ ये नहीं हो रहा है करके डिलीट भी हो गया है, लेकिन अभी वहाँ से मैं आधार कार्ड लेकर वो पर्ची लाई हूँ, उसके बाद क्या होता है आगे अब देखो। ठीक है, ये भी एक महिला है। जी आपका नाम बताएं? मेरा नाम लीना देवांगन है। आप कहाँ से हैं? यही पारस से। आपका कितना कर्जा है और क्या है पूरा मामला बताइए। मेरा तो क्रेडिट कार्ड से लिए थे लोन, मेरे मिस्टर पटा नहीं पाए, उस समय कोरोना काल का समय आ गया, बस परिस्थिति इतनी वो हो गई गंभीर कि मेरे मिस्टर बिस्तर में हो गए थे, तो कहीं से कुछ था नहीं देने का। कर्ज में तो कोई नहीं देता है, पर यहाँ में अभी वो 90,000 लिए थे, वो अभी 1,40,000 हो गया, अभी भी हम देने के उस लायक नहीं, ना हम दे भी नहीं पा रहे, उसका किस्त भी नहीं दे पा रहे। तभी मुझे पता चला इन बहन के द्वारा ही यहाँ कर्ज माफ़ के लिए हो रहा है, तो फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसके लिए मैं आई हूँ यहाँ। चलिए अभी मैं अगर देखा जाए तो जैसे आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार ने 10 लाख करोड़, जो 10 लाख करोड़ का कर्जा है वो उद्योगपति का माफ़ कर दिया। और भी आपने यहाँ सुना होगा कांग्रेस सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि जो किसान है उनका सबका कर्जा माफ़ करेंगे, और उन्होंने किया भी। तो अब आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग का कर्जा? जी जी, हमारा भी कर्जा माफ़ हो, हम भी चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं जी। चलिए ठीक है, तो ये जिस तरह से आपने देखा और सुना यहाँ पे लगातार ये जो लोग हैं ये कर्ज माफ़ी के लिए अपना जो है वो गुहार लगाने के लिए केंद्र सरकार से आए हुए हैं। मेरा सर नाम जालिमचंद मौर्य है। कहाँ से हुआ? मैं भिलाई से हूँ। क्या परेशानी लेकर? सर मेरा भी कर्ज है, कोरोना काल से पहले से कर्ज है, कर्ज अभी तक भरा नहीं पाया, लोग परेशान किए पड़े हैं। बैंक भाई है, बैंक का लोन है, बजाज का लोन है, प्राइवेट लोन है। कितना लोन है टोटल? करीब करीब से 10 लाख का लोन होगा। 10 लाख जी। आप क्या मतलब आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह की आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे हैं सर, जैसे सारे उद्योगपति का कर्जा माफ़ किया जा रहा है, हम लोग का भी कर्जा माफ़ किया जाए। रोजी अभी काम धंधे बहुत डाउन चल रहे हैं, मैं बिजनेस करता हूँ सर, लेकिन बिजनेस उतना अच्छा चल नहीं रहा है, GST नोटबंदी के बाद से बिजनेस बहुत ख़राब हो गया, इस कारण से हम कर्जा चुका नहीं पाए हैं। अगर केंद्र में जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोग कोसते रहे कि बहुत महंगाई है, कर्जा माफ़ होगा हमारा, महंगाई कम होगा, सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी बैठती थी। अभी आपने BJP को वोट दिया, आज सिलेंडर के 1200 रुपये है, तो कितना आप लोग सहमत हैं केंद्र सरकार? नहीं सर, केंद्र की योजना जो है वो सही लागू हो रही है, लेकिन उसका बेनिफिट पूरा मिल नहीं पा रहा है। केंद्र सरकार ही ना उद्योगपतियों का जो है वो कर्जा माफ़ी कर रही है, और अभी यहाँ कांग्रेस सरकार ने जो किसानों का कर्जा माफ़ किया है ना, अभी आप लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग का जो लोन चल रहा है, आपने जो लोन लिया है उसमें बिजनेस नहीं चल रहा है, उसका लोन आप लोग माफ़ करने की गुहार लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं सरकार की जो मंशा है? सरकार की मंशा सर, हम लोग का लोन माफ़ हुआ है तो अच्छी बात रहेगी, हम लोग का भी लोन माफ़ हो जाए तो अच्छी बात रहेगी, हम लोग भी खुशहाल हो जाएंगे, काम धंधे अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, तो यही उम्मीद किया जा रहा है कि जैसे सरकार सबका लोन माफ़ करी है वैसे हम लोग का भी लोन माफ़ हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। तो आपने देखा और यहाँ जो लोग हैं वो लगातार कर्ज माफ़ी को लेकर अपना आवेदन लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर ये जो लोग आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर जितनी भीड़ है आप इस तरफ भी देख सकते हैं। देश प्रभारी जो हैं गुप्ता जी वो भी जुड़ गए हैं, और उनसे जानते हैं
कैसे लोगों का कर्जा माफ़ होगा, किस तरह से क्या वो चाहते हैं और कैसे हो पाएगा, इसके लिए हम डायरेक्ट संवाद करते हैं। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद गुप्ता भारतीय है और कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत मुझे छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया है। छत्तीसगढ़ का कैसे, देखिए लोन माफ़ी का एक प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है, उसको समझिए। बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन इसलिए माफ़ हो जाता है, अंडरराइट हो जाता है कि उनको पहले से ही जानकारी होती है कि अगले महीने में किस्त पे नहीं कर पाऊंगा, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू, वकील के थ्रू बैंक को इन्फॉर्म करते हैं कि अभी बिजनेस में घाटा चल रहा है, इतनी कमाई नहीं हो रही है, तो हम किस्त नहीं दे पाएंगे, दो साल का समय चाहिए। एक आम आदमी क्या कर रहा है, अगर उसकी अगले महीने की किस्त है और उसको पता है कि मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा, वो बैंक से कोई संवाद ही नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले डिफॉल्ट होने से बचिए। अगर आपको लग रहा है कि आप किस्त नहीं भर पाएंगे तो बैंक को रिटर्न में एक एप्लीकेशन दीजिए, अपनी मजबूरी बताइए, बैंक अवश्य आपको 6 महीने साल भर का समय देगा। लेकिन 6 महीने साल भर का समय तो देगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में ब्याज भी तो लेगा। जब बैंक आपको समय देगा तो उस पर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगती है, जब आप डिफॉल्ट करते हैं तब लगती है। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत उनमें ब्याज नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल, जब आप समय लेते हैं, देखिए जब हम समय की मांग कर रहे हैं तो समय की मांग के बाद में क्या होगा कि बैंक के पास अलग अलग विकल्प होते हैं। चलिए अभी जो है ये इतनी भीड़ आपने इकट्ठा करके रखी है यहाँ पे, इतने लोगों का कर्जा माफी की बात हो रही है, आप कैसे कर्जे से माफ, मतलब इनका कर्जा कैसे मुक्त कराएंगे? कर्जा मुक्ति का मैंने आपको बताया है कि एक प्रोसीजर होता है, यहाँ सर्टिफिकेट वितरण का कार्य चल रहा है। फिलहाल इनको एक यूनिक आईडी नंबर दिया जा रहा है जो पीएमओ ऑफिस से अलॉट हुआ है कर्जा माफी का, जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को अलॉट होता है बैंक के माध्यम से। तो ये वो सब परेशान लोग हैं जिनकी बैंक ने हेल्प नहीं की है, सहायता नहीं की है। तो हम लोग धार्मिक एकता ट्रस्ट से हैं, कर्ज मुक्त भारत अभियान धार्मिक एकता ट्रस्ट के सानिध्य में चलाया जा रहा है, जिसके फाउंडर श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी हैं। छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे लोग हैं जो अभी कर्जा मुक्ति के लिए या कर्ज से मुक्त होने के लिए आपको आवेदन आप तक पहुँचा चुके? लगभग आज की बात करें तो आज का नहीं बता पाऊंगा, कल शाम 7 बजे तक 29,500 लोगों का डाटा है हम लोगों। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का डाटा है? सिर्फ छत्तीसगढ़ का डाटा है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें? ऑल ओवर इंडिया का लगभग 7.5 लाख जो अपलोड हो चुका है। तो क्या सरकार लगता है उम्मीद है कि ये इतना कर्जा माफ कर पाए? देखिए सरकार पे दबाव की जरूरत होती है, मैं तो ये बोल रहा हूँ आपके छत्तीसगढ़ में 25,000 आदमी है, एक आदमी तय कर ले कि मैंने 10 आदमियों का फॉर्म भरवाना है तो 25,000 से 2.5 लाख होते हैं। अभी हम लोगों पे संख्या बल है 7 लाख 8 लाख, जिस दिन ये 1 करोड़ हो गया, ये ऑफिस आप देख रहे हैं ना जहाँ सर्टिफिकेट का वितरण हो रहा है, सरकार घुटने के बल बैठ के माफ करेगी। तो हम भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इतने सारे लोगों की जो है इनका साथ, इनके साथ है, और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको कवरेज दिखा सकें और लोगों से आपको बात करा सके। आगे भी बने रहिएगा, इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।